कोरोना संक्रमण ने कारण हाल रात्रि कर्फ्यू रातना रात 11 થી સવારના 5 વાગ્યા સુધી લાગુ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ દિવસેને દિવસે કોરોનાના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, જેને લઈને રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાત્રિ કર્ફ્યુમાં વધારો કરવામાં આવે તેવી શક્યતા સેવાઈ રહી છે। ત્યારે હોટેલ અને રેસ્ટોરન્ટ એસોસિએશનને રાત્રિ કર્ફ્યુમાં ફેરફાર ન કરવાની માંગ કરી છે। આ મામલે એસોસિએશનના પ્રમુખ નરેન્દ્ર સોમાણીએ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો અને કર્ફ્યુ નહીં વધારવાની માંગ કરી છે। साथ ज डिलीवरी में आज रात्र 1 वाग्या सुधी छूट आपवा माटेनी मांग करी। आ मामले एसोसिएशन ना प्रमुख नरेंद्र सोमाणीए जणाव्यू के जो कर्फ्यू नो समय वधाराशे तो होटल अने रेस्टोरेंट मुश्केली में मुकाशे। कोविड ना केसेस 100% वधे छे ए हकीकत वात छे अने सरकार पोतानुं काम करे ए भी हकीकत वात छे, पण रात्रि कर्फ्यू एनो निकाल नथी। सरकारे आनी जोड़े मानी पड़े बेसवू जोईए, शांतिथी वेपारी जोड़े बेसवू जोईए, गुजरात चेम्बर जोड़े बेसवू जोईए, ने ए सरकारे कायदा लावा जोईए कि रेस्टोरेंट में जनाने कम्पलसरी डबल वेक्सिनेटेड माणस होवो जोईए, मास्क पहेरेलू होवू जोईए, सोशल डिस्टन्सिंग होवू जोईए, ए बधा कायदाओनो पालन करावानो कड़काईथी करे ए बधुं अमे जाते भी पालन करीशुं। अमे रेस्टोरेंट ने होटल बिजनेस बिजनेस 50% सुधी तो आवी गयुं छे, अत्यारे एकदम आ गया अठवाडियाथी 50% पर आवी गयुं छे, अने जो अत्यारे आ कर्फ्यूनो टाइमिंग रातना वेला करवामां आवे तो बिल्कुल भांगी जशे के तमे जो काजे नाना नाना रेस्टोरेंट वाला बधे लगभग 90% रेस्टोरेंटो भाड़ा पर होय छे, तो पोतानुं भाड़ू नहीं भरी सके, इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरी सके अने माणसोने पगार नहीं आपी सके, एटले पाछी आ बेरोजगारी उभी थशे। अमारे सर मास्क पहेरवुं, सोशियल डिस्टन्सिंग करवुं, बीजी बधी वस्तु ध्यान राखो, वेक्सिनेशन वधारो करवो, ए बधुं। अत्यारे तमे जो अमारा रेस्टोरेंट होटल इंडस्ट्री बधा ज लोग डबल वेक्सिनेटेड स्टाफ छे, बधा जे कस्टमर आवे छे ए भी लगभग डबल वेक्सिनेटेड छे, तो पछी रात्रि कर्फ्यू नो एनो निकाल नथी। तो सरकार थी अमारे एज विनंती छे के जे बीजा बधा कायदाओ छे पण आ रात्रि कर्फ्यू नो वधारे आने छे 11 થી વધારે અમલમાં ના કરવામાં આવે।